क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षम, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडी जी। आज बहुत टाइम के बाद हम एक वीडियो लाए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आजकल हमारे काफ़ी सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। दैट इज़ बेस्ट कोर्स प्रेफरेंस करने का तरीका फॉर CUET UG की एप्लीकेशन। आप UG का एप्लीकेशन भर रहे हो CUET का, अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलेज में कौन सा मेरे को सब्जेक्ट भरना चाहिए, कौन से कोर्सेज भरने चाहिए, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्या ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, किसको मेरे को प्रेफरेंस देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से बता देता हूँ, फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, उसके लिए उसके हिसाब से कैसे उसे लेनी चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारा टेलीग्राम चैनल है यार, उसे जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो। आपके जैसे 600-700 बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। देखो एप्लीकेशन के टाइम पर मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहली बात तो आपको दो चीज़ें देखनी है, एक देखनी है यूनिवर्सिटी और दूसरा देखना है कोर्स। पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है। सबसे पहले आपको लोकेशन पे जाना है भैया, आप अपने जीवन में कहाँ जा सकते हो अभी से सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव योर प्रायोरिटी स्टेट। अच्छा, हमारी नीचे यहाँ पे आपको बुक का दिख रहा है, जो कि हमारी बुक है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इसके पार्ट वन पार्ट टू एक साथ अवेलेबल है ऑन अमेजोन, तो जल्दी हमारा लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी देख लो। लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, देखो अगर आप आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो तो उस चीज़ को दिमाग में रख के उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी लो जो आपकी स्टेट की बाहर की हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट में ही रह सकते हो तो देखो स्टेट में कितनी कितनी दूर दूर की यूनिवर्सिटी हैं। फिर देखो सपोज़ आप दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो भैया क्या आप दिल्ली के बाहर जा सकते हो? क्या आप डेली का ट्रैवल नोएडा वगैरह तक कर सकते हो, या आपको ऐसा ही है कि मैं बस सिर्फ डेली में रहना चाहता हूँ? ये सारे चीज़ें आपको अभी से सोचनी पड़ेगी। अगर आप इंटर स्टेट में रह सकते हो, सपोज़ आप आउट ऑफ, मतलब मैं कहूँ आप हॉस्टल में रह सकते हो, इन दैट केस आपके पास प्रेफरेंसेस ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भरो, उन जगहों की भरो, वो भरो जो कि आपको लग रहा है कि अच्छी हैं। कौन सी अच्छी हैं, कौन सी क्या हैं, कौन सी मिल रही हैं, सारी की पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी है। यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको दिख जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कौन सी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो अगर आप हॉस्टल में रह सकते हो भैया, लोकेशन के हिसाब से आपने यूनिवर्सिटी देख ली। दूसरी बात भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये तो हमेशा भरनी ही भरनी है CUET के फॉर्म के अंदर, हमेशा भरनी। क्यों? आपका ही फ़ायदा है, ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, जितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं उतना ज़्यादा आपकी एबिलिटी और चांसेस बढ़ जाएंगे यार एक अच्छा कॉलेज लेने के। तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो लेनी है। अगर कोई प्राइवेट और डीम्ड के अंदर भी जाना चाहता है तो उसको भी अभी सोच लो। अगर कोई प्राइवेट और डीम्ड में भी जैसे अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर हैं तो उन सबको भी देख लो, प्राइवेट जैसे शारदा यूनिवर्सिटी ये सब हैं तो उनको भी अभी से चूज़ कर लो। अब आई होप आप जब ये सिलेक्ट कर रहे हो आपको एलिजिबिलिटी पता है। अब आते हैं मेन चीज़, दैट इज़ कोर्स। देखो कोर्स में बच्चे ना बहुत फंसते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने जिनको पहले एक ऐसा कोर्स मिल गया जो कि ठीक है, पर कॉलेज थोड़ा ठीक ठाक मिला था, पर उनको कोर्स अच्छा मिल गया, बट देवर लाइक कि चलो सेकंड लिस्ट में भी डालते हैं DU की मैं जब बात कर रहा हूँ, और सेकंड टाइम पर उन्हें एक ऐसा कोर्स मिल गया जो उन्होंने भर दिया था, उनको करना नहीं था। तो पहली बात तो अपना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को ध्यान से याद रखो, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ऐसे कोर्सेज लो भैया जो आपका एटलीस्ट यार मिनिमम इंटरेस्ट हो पर एवरेज एप्टीट्यूड तो ज़रूर हो। What does that mean? कि अगर आपका इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 30% इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए उस चीज़ में, उससे नीचे की चीज़ जिसमें इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल ही मत लो, फिर वो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी कोर्स अगर आपको 30% इंटरेस्ट भी ना, हाँ चलो कर सकता हूँ, गो देयर। बट एप्टीट्यूड एवरेज की बात क्या है, कि अगर आप अपने आप को उसमें 50% भी मानते हो ना कि मैं हाँ मैं कर लूँगा, राइट मैं कर सकता हूँ, अगर आपको एप्टीट्यूड आपकी एबिलिटी टू एक्वायर दैट स्किल ऑलरेडी है, कहाँ से पता चलती है? फ्रॉम द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। अब आप कहोगे भैया सब्जेक्ट में चलो मैंने मान लिया सपोज मेरे पे PCB है और साइकोलॉजी है, तो भैया फिजिक्स में फिजिक्स ऑनर्स ले ली, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑनर्स, बायो में जूलॉजी बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी देख ली, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी ऑनर्स ले ली, पर जो बाकी के हैं सोशियोलॉजी डिजाइनिंग वगैरह उनके लिए क्या करूँ? दोज आर स्ट्रॉली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, राइट? तो सबसे पहली बात तो वो तो लेने ही हैं जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड हो,
जिनके अंदर आपका एप्टीट्यूड है उनको भरना ही है। दूसरी चीज़, जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम है लेकिन एप्टीट्यूड मतलब हो जाएगा, कर सकते हो, डू नॉट टेक ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज लाइक मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, डोंट टेक ऑल ऑफ दीज हार्ड वंस अनटिल आप समझते हो, आप जानते हो कि मैं कर सकता हूँ, मेरा मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी ले लिया तो 3-4 साल के लिए दिक्कत में रहोगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट? सॉरी गाइस, सो आई कंट्रोल्ड माई स्नीज यार। मैथ्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने नहीं लेना, ऐसे भारी भारी कोई भी नहीं लेने, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में चले गए नहीं लेना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू प्रेफर योर इंटरेस्ट, यू हैव टू प्रेफर योर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी जा रहे हो, है ना, इंटर मैं कहूँ बेसिकली आप जा रहे हो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में, तो चलेगा चलेगा, साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में चलेगा। कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हो, चलेगा, ठीक है? पर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से साइंस की तरफ जा रहे हो, पहली बात तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, हो सकता है बीएससी साइकोलॉजी वगैरह मिल जाए, उस केस में ले लेना, पर एकदम एकदम मैसिव शिफ्ट ऐसा मत ले लेना, वो भी ऑनर्स वाले कोर्सेज में, स्पेशली ऑनर्स वाले कोर्सेज वो मत लेना जो सब्जेक्ट आपको पता नहीं है। जैसे लेके बैठ गए हिस्ट्री ऑनर्स और थे पीसीबी या पीसीएम वाले, लेके बैठ गए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकिन कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं, डोंट डू दैट। और वैसे भी उनके अंदर शायद आ जाता है डोमेन के अंदर कि आपके पास इकोनॉमिक्स होनी ज़रूरी है। सो पहली चीज़ आपको एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट अपना रखना ही रखना है। और बता दे तो जो क्लास ट्वेल्थ के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करो उन सारे सब्जेक्ट के अंदर तो ले ही लो, क्योंकि भले ही कितना बुरा लगता हो लेकिन कोई भी इतना बुरा नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते, गेटिंग मी? कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनको इकोनॉमिक्स पसंद तो नहीं थी लेकिन आज की डेट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके बैठे हैं, उसमें अच्छा सक्सीड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ी थी। तो जो भी आपके पास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके ऑनर्स कोर्सेज तो ले ही लो, राइट? उनके ऑनर्स कोर्सेज तो ले ही लो। दूसरी चीज़, आपको करियर बेसिस पे भी देखना है आप आगे क्या बनना चाहते हो। अगर आपको टीचर बनना है तो बीएलएड करनी जरूरी है तो बीएलएड ले लेना, अगर आपको वकील बनना है तो लॉ के कोर्सेज देख लेना, अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है तो जर्नलिज्म के कोर्सेज भर देना, अगर आपको कोई वोकेशनल चाहिए तो वोकेशनल स्कूल्स भर देना, जैसे दिल्ली इंस्टीट्यूट है ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल ऐसे कुछ करके, DSES कहते हैं शायद उसे, दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल ऐसी समथिंग है, उसको भर दो, उसमें बहुत से अलग अलग हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली आपके पास एक चीज़ तो ये आ गई कि भैया आपको जब लोकेशन देखनी है, पहले आपको देखना कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में भर सकता हूँ, लोकेशन के ऊपर जाओ। अगर मेरे को पता है भाई मैं अपने देश अपने शहर के बाहर जा सकता हूँ, ज़्यादा स्कोप है, फिर भी कौन सी जगहों पर जा सकता हूँ, क्या मैं बहुत दूर हॉस्टल में रह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वीकली मम्मी पापा के पास आ वापस गया, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, घर वालों से डिस्कस करनी पड़ेगी, अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी पड़ेगी। उस बेसिस पे आप पहले देखो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। फिर बात आती है कोर्स की, कोर्स के अंदर सबसे पहले बात तो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट होना जरूरी है, पर मिनिमम टू मिनिमम, इंटरेस्ट फिर भी कम चलेगा पर एप्टीट्यूड ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। पर ज़्यादा का मतलब क्या, एटलीस्ट एवरेज एप्टीट्यूड आपके अंदर हो, यू मस्ट हैव एवरेज एप्टीट्यूड, राइट? इतना हो गया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ओके? क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपने जो जो कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स को तो एटलीस्ट आप कर लो, जो भी आपने क्लास ट्वेल्थ के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सारे के तो ले ही लो ऑनर्स के, राइट? कोई अप्लाइड वप्लाइड मिलते हैं तो अगेन थिंक अबाउट इट। नंबर थ्री, आपको देखना है आप एंटरप्रेन्योरियल सपोज स्किल विल में जाना चाहते हो तो उनके वोकेशनल भर दो यार, है ना, उनके वोकेशनल भर दो। फिर आपको करियर में कहाँ जाना है, सपोज आपको एक डिफरेंट फील्ड में जाना है तो उस फील्ड के बेसिस पे भरो। पर कोई भी बच्चा व्हाट नॉट टू टेक, अगर मैं नॉट की बात करूँ पहली बात तो कोई भी ऑनर्स कोर्स ऐसा मत लेना किसी भी चीज़ में जो आपने नहीं पढ़ा है, एक्सेप्ट आपको उस चीज़ में भारी इंटरेस्ट है। और भारी इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं, हाँ मेरे को साइकोलॉजी बहुत पसंद है, वाह ब्रेन, या ब्रेन ओके दिमाग पढ़ना, ये इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट का मतलब है यू हैव सम एटलीस्ट अमाउंट ऑफ एबल प्रेफरेंस फॉर दैट सब्जेक्ट, आपने जीवन में उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च तो करी है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है। सपोज हो सकता है एक बच्चा जो कि ह्यूमैनिटीज के अंदर बैठा है, राइट,
उसके, लेकिन उसका मन है थोड़ा बहुत कोडिंग में, तो उसने देखा कि कोडिंग के लिए मैं एंटरप्रेन्योरियल में कहीं देख सकता हूँ क्या, कोई में वो कोडिंग के मिल रहे अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ जा सकते हैं। पर ये भरी बड़े बड़े मैथ्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, ये सब लेके बैठ गए लेकिन कभी पढ़े नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, अनटिल यू हैव हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। ठीक है, नंबर टू, कुछ भी ऐसा नहीं लेना जिसमें 100% लैक ऑफ इंटरेस्ट है। कई ऐसी चीज़ें ना जिनसे कंप्लीट हेटरेड होती है, एक है यार बुरा लगता है पर कर लेता हूँ, नंबर आ जाते हैं, नंबर मतलब 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं पर इंटरेस्ट कम है, फिर भी ले सकते हो क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कर लोगे। लेकिन कोई ऐसी होती है ना जिनमें नंबर भी बहुत कम आ रहे हैं, करने का मन भी नहीं करता, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी, उनसे दूर रहना है। ठीक है, और नंबर, और सबसे आखिर में प्रो टिप भैया यही है कि सबसे पहली बात आप देखो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज जब करते हैं ना, उसके बाद अगला सेक्शन खुलता है कोर्स का, सारे कोर्सेज के नाम पूरे पूरे पढ़ो, आधे अधूरे पढ़ के नहीं बैठने। ठीक है, आधे अधूरे पढ़ के नहीं बैठने, जब पूरा पढ़ोगे तो समझ आएगा। ऊपर नीचे भी देखो, डोंट लुक फॉर द सब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई फॉर, लुक फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, ज़्यादा से ज़्यादा भरो। मैं तो ये कहूँगा, अपनी जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, शर्त ये है कि ऐसी चीज़ें मत लो जो कि आप आगे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो कोर्स, अगर वो यूनिवर्सिटी आपको मिल गई जिसमें आप ना जा सकते हो, ना जाना चाहते हो, ना वो कोर्स करना चाहते हो, तो बहुत दिक्कत होगी आपकी सीट के लिए, हो सकता है आपका अच्छा गया हुआ चांस बर्बाद हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, एंड विद दैट आई एंड टुडेज़ वीडियो। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी बात आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। With that, I'll end today's video. I was Akshama. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.